राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 50 शिक्षकों का चयन किया है। ये सभी शिक्षक 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों से हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने 16 शिक्षकों और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। सभी शिक्षकों को पुरस्कार स्वरूप योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज में शिक्षकों का स्तर सदैव ऊंचा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने में अद्भुत प्रयास किया है। आज स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। अपने अपनी प्रतिबद्धता के बल पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। शिक्षकों ने बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने के अद्भुत प्रयास किए हैं। उन्होंने पढ़ाने के नए नए और रोचक तरीके निकालने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। शिक्षा को समावेशी बनाने में योगदान दिया है। पूरे देश में अनगिनत शिक्षक गण निष्ठा के साथ कार्यरत है। सबको पुरस्कार देना संभव नहीं हो पाता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से शिक्षक समूह को उनके असाधारण प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ ऐसे विशिष्ट शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को मान्यता प्रदान कर उन्हें सम्मानित करना है, जिन्होंने न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है।